पिछले 10 साल में मैंने 10,000 से भी ज्यादा लड़कियों को अप्रोच करा और उनसे बात करी। Hi, are you swiping on Tinder? Are you going to the airport or are you coming from the airport? What's your name? You. And the number one thing that gets them attracted to a man is confidence. Can you hang out tomorrow? शाम को? ठीक है, तो give me your number. You dance like crazy. Are you a professional dancer? Oh my God, I'm so impressed. Huh? इस वीडियो में I'll be sharing with you the 10 commandments to be your most confident self. Let's go. Number one. भाई हमें लगता है दैट अप्रोचिंग गर्ल्स आउटसाइड इज गोइंग टू बी इजियर एंड इट्स इजियर फॉर यू टू गेट गर्ल्स जस्ट बिकॉज़ वहां का कल्चर ओपन है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन अमेरिकन पाई, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन एंटूराज और क्या क्या डिजेनरेट चीजें, प्लेबॉय किस किसने पढ़ी है, कौन कौन लोग बड़े हुए हैं ये सारी मूवीज देख के और उनको लगता है कि यार भाई जब हम बाहर जाएंगे ना देन गर्ल्स आर गोइंग टू बी सो फकिंग इजी फॉर अस। और एक तो ये नोशन ना जब लोग बना लेते हैं ना कि भाई बाहर तो ना लड़कियां ज्यादा ओपन है वहां चले जाओ, कि बाहर लड़कियां ज्यादा ओपन है, वंस वी गो देयर उनसे बात करेंगे अपने आप आई जाएगी, और वो क्या करते हैं उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस जो रहता है जब वो बाहर जाते हैं स्ट्रिप क्लब जाते हैं, अपने देसी बंदों को फोन करते हैं, उनको स्ट्रिप क्लब ले जाते हैं, स्ट्रिप क्लब ले जाते हैं वहां पे तुम टच कर सकते हो, फिर वो क्लब जाते हैं उनको लगता है सारी गोरी लड़कियां ऐसी ही है वो, तो फिर वो वहां पे टचिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं और फिर वहां पे इज्जत और डाउन हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बाहर मुश्किल है। When I went out, मैं 2-3 साल से अब्रॉड जा रहा हूँ, the experience with foreigner girls is not easy. आसान नहीं है भाई उन लड़कियों से बात करना। In a way I can argue कि भाई इंडिया में ज्यादा आसान है क्योंकि इंडिया में साले कोई अप्रोच ही नहीं कर रहा है, लड़कियों को आदत ही नहीं है। Just by the mere fact कि तुम एक लड़की को जाके हेलो बोल सकते हो ना, तुमने अपने आप को एक अलग लेवल पे डाल दिया है भाई, जहां सब बंदे पीछे छुपे हुए हैं इंस्टाग्राम पे, टेक्सटिंग पे, ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे, मैं तो टेक्स्ट करूंगा उसको, ओ माय गॉड मैं टेक्स्ट करूंगा, मेरे को ना टेक्स्टिंग में वाइब आती है, अरे भाई क्या असली में जाके क्या बोलेगा, असली में जाके व्हेन यू गो टॉक टू हर सामने सामने आंख में देख के करते हैं जब इंस्टेंटली, भाई ये एक चीज है जो कोई भी नहीं कर सकता है। यू स्टैंड आउट फ्रॉम देयर, इट इज दी बेस्ट थिंग एवर। अगर तुम लोग क्लब्स नहीं जा रहे हो या तुम बाहर डे गेम नहीं कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? फाइन, ठीक है, काम कर रहे हैं, ऑल राइट, 24 घंटे काम कर रहे हो, ऐसा क्या उखाड़ रहे हो, जेफ बेजोस हो गया तुम? नहीं हो ना तुम लोग। सो अगर तुम्हें लगता है कि बाहर जाके गेम इजी हो जाएगा, नहीं होएगा भाई, नहीं होएगा, वहम में मत रहो। अगर मैंने वेट करा होता ना कि मैं जब इंटरनेशनली जाऊंगा, क्योंकि ना बैक ट्रैक करते हैं 2012 में चलते हैं, राइट, जब मैं ना कॉलेज में था अपने, बिल्कुल लड़कियों से बात नहीं होती थी, बहुत सारे लोग थे उस टाइम, सिंपल पिकअप था, RSD था, काफी सारे लोग ना वीडियोस बना रहे थे यूट्यूब पे उस टाइम पे, ठीक है, एंड आई वाज लाइक कि भाई ये चीजें ना बाहर पॉसिबल है, इंडिया में नहीं है, क्योंकि कोई इंडिया में करता नहीं था, मुझे लगता ही नहीं था पॉसिबल है, लगता ही नहीं था, लोग बस बोलते थे भाई मुझे ना देख के बड़ा अच्छा लगा, मुझे ना पढ़ के बड़ा अच्छा लगा, बट किसी ने कभी करा नहीं। अगर मैंने भी ये सोचा होता ना कि बाहर जाके करूंगा या कोई आके मेरे को सिखा देगा, तो भाई कभी नहीं होता कुछ भी। व्हाट आई डिड, व्हाट आई डिसाइडेड कि अगर आज तक किसी ने कुछ करा नहीं है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी कोई नहीं कर पाएगा। सो इफ समथिंग हैजंट बीन डन नाउ डज नॉट मीन इट कैन नॉट बी डन, मे बी तुम ही वो एक अकेले बंदे हो जिसमें इतनी हिम्मत है कि ये चीज सॉर्ट करने की, ट्राई करने की। सो दैट्स व्हाट आई डिड, आई ट्राइड, आई वेंट आउट एंड आई फेल्ड, बट देन आई केप्ट गोइंग। मुझे लगा मैं अप्रोच करूंगा लड़की थप्पड़ मारेगी, भाई उसने थप्पड़ नहीं मारा, जिंदगी बन गई, उसने थप्पड़ नहीं मारा, मोटिवेशन आया कि ठीक है उतना भी बुरा नहीं है, हंस के बात कर रही है यार ये, तो चलो मुझे बात करना नहीं आता, गांड फट गई, वापस चले गए, दोबारा आएंगे अगले दिन, और मोटिवेशन, और चीजें सीखी, ऐसे करते 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 गॉट टू अ पॉइंट वेयर गेम बिकेम सो फकिंग इजी, आई कुड वॉक इनटू एनी फकिंग क्लब, टॉक टू एनी गर्ल एंड शी वुड लव मी। जब वो पॉइंट आ गया ना कि मैं रोज जाके किसी नई लड़की से बात कर सकता हूं, आई कैन मीट अ न्यू गर्ल एवरी नाइट, उसके बाद आई डिसाइडेड टू स्टार्ट कोचिंग। बिफोर वी मूव अहेड गाइस, अभी पिछले वीडियो में देयर वर अ लॉट ऑफ ग्रेट कमेंट्स फ्रॉम यू गाइस, और वो पढ़ के काफी जगह तुम्हारे क्वेश्चंस भी थे, और वो क्वेश्चंस जनरली सिमिलर ही थे। अभी हमने काफी सारी वीडियोस बना ली हैं, बट अभी तक काफी चीजें तुम्हारे लिए अभी भी क्लियर नहीं हुई है, बिकॉज़ वो बहुत सारा फैला हुआ है, या वो टू द पॉइंट बातें नहीं हो रही हैं, या व्हाटएवर। अब यही सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व करने के लिए वी हैव ब्रेनस्टॉर्म समथिंग एपिक, एंड आई एम गोइंग टू बी अनाउंसिंग दैट इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस, सो स्टे ट्यून्ड, समथिंग बिग इज कमिंग अप। नंबर 2, रिजेक्शन इज नॉर्मल। What do you mean initially? I still fumble. भाई मेरे को अभी भी rejection आते हैं, अभी भी फटती है मेरी कई बारी लड़कियों से बात करने में। Even अभी भी जब मैं बात करता हूँ भाई rejection happen. I still get fucking rejected. Because the goal is not कि I'm getting accepted or rejected. The goal isn't that. The goal is that there's a girl that I want to talk to. As a man, if you look at a girl and you're attracted to her and you're fucking single in your life और तुम उस लड़की को approach नहीं करते हो, are you even a fucking man? क्या कर रहे हो ऐसी जवानी का भाई? औजार है जो तुम्हारे पास, उससे जड़ी बूटी कूटो भाई। क्या फायदा ऐसी जवानी का भाई? What man is like, oh, she's a really hot girl, she's really attractive. I want to go talk to her, but नहीं भाई हम तो सख्त हैं। The fuck, हम sigma हैं। I will work on myself. Girls are a distraction. Shut up, bro. Why the fuck are you at night masturbating, looking at OnlyFans and fapping और हिला रहे हो वहाँ पे बैठ के अपना Instagram देख के? लड़कियाँ नहीं चाहिए। हर क्यों होती है भाई? बहुत ही natural process है भाई। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। And these days I see a lot of people talking about Indian culture और वहाँ पे वो ना sexual shamed घुसा देते हैं। नहीं, हमारी संस्कृति में ये नहीं होता है। You should not feel like that. Shut the fuck up, dude. We're from a land of Kama Sutra. The highest population, highest consumption of porn. पागल हो गए हो तुम लोग? As a man, you need to accept yourself कि भाई you are a sexual being. थरक होगी भाई तुम्हें। उसको ढंग से जान करो, जाके रैंडम लड़कियों को डिक पिक सेंड, बॉब सेंड, वजीन, अबे करना बंद करो भाई। लड़कियों को घूरना बंद करो भाई। तमीज में जाके सीखो कि एक लड़की से सीधा जाके बात कैसे कर सकते हैं। हाउ फकिंग डिफिकल्ट इज दैट? क्या होएगा, मना ही तो कर देगी ना। व्हाट इज योर डिफॉल्ट? द डिफॉल्ट इज रिजेक्शन इफ यू डू नॉट टॉक टू द गर्ल एनीवे, करेक्ट? देयर इज स्टिल अ चांस अगर तुमने लड़की से जाके बात कर ली।
कुछ अच्छा ही हो जाएगा. देयर इज नो वन टिप व्हिच इज लाइक भाई लड़की से जाके कैसे बात स्टार्ट करें. शट अप, जस्ट गो फकिंग टॉक टू हर. दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू एट दिस पॉइंट इन टाइम. नंबर 3, द ओनली टाइप ऑफ पीपल दैट हैव अ क्रश आर लूजर्स. मेन डू नॉट हैव क्रशेस भाई. You're a loser if you're crushing on a girl. Crush क्या होता है भाई? वो लड़की को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, वो भाव हमें दे नहीं रही है, बट हमें वो लड़की चाहिए. क्यों? क्योंकि हम अपने आप को यहाँ अज्यूम करते हैं और वो यहाँ है. यार ये लड़की मिल जाएगी तो मेरी जिंदगी सही हो जाएगी. वैसे तो मेरी जिंदगी झंड है. ये लड़की मिल जाए यार, मेरा क्रश है यार, मेरा क्रश है. इफ यू हैव अ क्रश, दैट्स डिस्गस्टिंग. ऑल ऑफ यू आउट हियर, मुझे यार एक लड़की पसंद है, ये लड़की मिल जाए तो मेरी जिंदगी बन जाएगी. डरता है लड़की से बात करने में, अपनी खुद की जिंदगी जीने में डरता है भाई तू. एक लड़की तेरी जिंदगी आके ठीक करेगी? What kind of fucking man are you? अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद है जाके बात करो. आर या पार, यू नीड टू गेट टू अ प्लेस ऑफ अबंडेंस. अबंडेंस मतलब आई कैन मीट एनी गर्ल दैट आई वांट टू मीट. अगर तुम उस अबंडेंस की स्टेट में नहीं हो ना, देन यू विल फील लाइक अ बैगर. यार काश एक लड़की तो मिल जाए हमें. एक तो मिल जाए भाई, क्या मिलेगा तुम्हें? ठेंगा भाई, जो घंटा कुछ नहीं मिलेगा. इमेजिन यू गोइंग फॉर एन एग्जाम, तुम सोच रहे हो पास तो हो जाऊं. इमेजिन दो बंदे हैं जो एग्जाम के लिए जा रहे हैं. पहला बंदा है बोल रहा है यार भाई काश पास हो जाऊं. दूसरा बंदा है जो बोल रहा है भाई मुझे टॉप करना है भाई. पहले वाला बंदा, बेस्ट केस सिनेरियो बताओ इसको क्या रहेगा. बेस्ट केस सिनेरियो के कितने नंबर आएंगे? 50-60. 40 एम करेगा तो 50-60 बेस्ट केस आएंगे. और वर्स्ट केस तो साला फेल हो ही गई. क्या चांस है कि ये बंदा फेल होने वाला है? ये फेल होने वाला है क्योंकि इसको पता है साले ने पढ़ाई नहीं करी, पक्का ही फेल हो गया. इसके ज्यादा चांस है फेल होने के. अब दूसरे वाले बंदे का बेस्ट केस तो छोड़ दो, वर्स्ट केस देखते हैं. इस बंदे का बेस्ट केस 60 था. एक बंदा जो टॉप करना चाहता है, 100 में से 100 लेके आना चाहता है, उसका वर्स्ट केस क्या होगा? 90 से नीचे उस बंदे के मार्क्स कभी आने ही नहीं वाले हैं भाई. क्यों? क्या डिफरेंस है दोनों में? माइंडसेट का डिफरेंस है. बट वो माइंडसेट में ऐसी क्या चीजें जो डिफरेंस है वहां पे भाई? द फर्स्ट पर्सन इज इन अ प्रिवेंशन ओरिएंटेड माइंडसेट. इसका मतलब क्या है? वो ना टॉप करने की या दुनिया में अच्छी चीजें लेने की कोशिश नहीं कर रहा है. वो देख रहा है कि भाई बस बुरा ना हो जाए मेरे साथ, इससे बुरा ना हो जाए, इससे बुरा ना हो जाए. इफ यू फोकस ऑन कि इससे बुरा ना हो जाए तो क्या होगा तुम्हारे साथ? वही तो होगा भाई, तुम्हारा फोकस ही वहां पे है. तुम जीतने की तो ट्राई कर नहीं रहे हो. यू नॉट प्लेइंग टू विन, यू प्लेइंग टू नॉट लूज. यू प्रिवेंटिंग फेलियर. You're not in a promotion oriented mindset. दूसरा mindset हमारा क्या? ये बंदा, दूसरे वाला बंदा, he's playing to win, not to not lose. He's in a promotion oriented mindset. कि भाई मेरे को टॉप करना है, क्योंकि वो उस mindset में कि साला मेरे को दुनिया जीत लेनी है भाई. मैं भैंचोद राज करूंगा यहाँ पे. Every time in your life you need to play to win, not to play to not lose. काश एक बंदी मिल जाए. Shut the fuck up bro, you're a fucking man. इतनी लड़कियां हैं दुनिया में, इतनी कोई भी मिल जाएंगी. जब मैं अप्रोच करता हूँ, मैं ये नहीं सोचता हूँ काश ये लड़की मिल जाए. नहीं भाई, आई एम अ फकिंग मैन, आई लाइक द गर्ल, आई विल गो टॉक टू हर. इफ शी डजंट वांट टॉक टू मी, कूल, दैट्स ओके, इट्स हर चॉइस भाई. बट मैं तो बात कर सकता हूँ. उसको बात नहीं करनी, कूल, मैं चला जाऊंगा वहां से चुपचाप. द मोर आई डू दिस, द मोर द गर्ल्स आर गोना लाइक मी वर्सेस समबडी बीइंग लाइक, अरे यार रिजेक्ट कर देगी भाई. काश यार मैं इससे भाई अप्रोच नहीं करना चाहता, मेरी फट रही है. या फिर फाइनली अप्रोच करा तो यार रिजेक्ट ना कर दे. वर्सेस यू थिंकिंग यार ये बंदी चाहिए मुझे, ये बंदी मुझे चाहिए. आई लव दिस गर्ल, शी इज अमेजिंग, मेरी सोलमेट है भाई. अगर ये मेरे साथ रहेगी ना, इसकी जिंदगी बन जाएगी. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. जो अभी तुम मेरे को देख रहे हो यहाँ पे बात करते हुए, इतनी वीडियोस बना ली हैं, वीडियोस पे कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, लड़कियों से जाके बात कर रहा हूँ, कोई भी बिजनेस मीटिंग में जाता हूँ वो करता हूँ, आई एम रनिंग अ बिजनेस आउट हियर. ऑल अदर थिंग्स अबाउट सक्सेस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द फैक्ट दैट आई लर्न्ड गेम इन माय 20s. क्योंकि वहां पे वो बस यही नहीं है. मतलब ऑन द सर्फेस तुम्हें क्या दिखता है भाई? लड़की से बात करना चाह रहे हैं, लड़की से पटाना चाह रहे हैं, ठरकी हैं ये तो. हाँ भाई ठरकी भी हैं, ठरक तो है ही, हाई टेस्टोस्टेरोन वाले इंडिविजुअल्स हैं हम. लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है? जब गांड बढ़ रही है उसको ओवरकम करके, उस डर को फील करके भी लड़की से बात कर रहे हैं भाई. और एक बार नहीं, बार 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 कर रहे हैं. जो दुनिया चाह रही है, नहीं भाई बस बैठे रहो, अरेंज मैरिज करो, उसके पीछे नहीं है. बस फैंटेसाइज नहीं कर रहे हैं, अपनी जिंदगी का कुछ मतलब हो वैसे जी रहे हैं. नंबर 4, वन ऑफ द बेस्ट वेज जिससे तुम्हारी ईगो कंट्रोल में रह सकती है और तुम हम्बल रह सकते हो एंड यू विल स्टे ग्राउंडेड इज बाय टॉकिंग टू गर्ल्स एंड अप्रोचिंग देम. इतनी बड़ी ईगो लेके नहीं घूम रहे हो, मैं तो बहन जो शाहजहां हूं, वो मेरी तो गाड़ी है, मेरे बाप की गाड़ी है, गाड़ी लेके जाऊंगा क्लब के बाहर उतरूंगा, वहां पे टेबल है मेरी, मैं तो फकिंग कूल हूं यार, तू क्या है? वो इज्जत को कुचल रहे हैं, कोई ईगो में नहीं है भाई. तुम ना यू कैन बी हूएवर यू आर, राइट? यू कैन बी द फकिंग मोस्ट गुड लुकिंग गाय एवर और तुम पे अनगिनत पैसा हो सकता है. एक अप्रोच करके देखो भाई, सारी हेकड़ी निकल जाएगी. जो लड़की जो तुम्हें लगता है ना मुझे चाहिए भी नहीं, मेरे को इससे बात भी नहीं करनी है, वो बंदी भी भाव नहीं देगी. वंस यू गो टॉक टू हर, सो योर ईगो विल बी डाउन एंड दैट मेक्स यू रियलाइज भाई कि साला कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों से. आई लव इट, आई लव गेटिंग रिजेक्टेड, आई लव जब लड़कियां मेरी इज्जत एकदम ऐसे नीचे कर देती है. मैं अपने आपको बोलता हूँ साला तू क्या डेटिंग कोच बनेगा रे, क्या फेमस इन्फ्लुएंसर है तू भाई? जाट बराबर तेरी इज्जत कर दी इस लड़की ने, जिसको मैं कभी डेट नहीं करूंगा, जिससे मैं मेकआउट भी नहीं करूंगा, वो भी भाव नहीं दे रही है भाई. Don't think of yourself as this fucking amazing being. कोई भी कर सकता है जो तुम कर रहे हो. So do what you want to do. Find the love in it, but उसके अराउंड अपनी ईगो मत डेवलप करो कभी भी. That's what game taught me. Game taught me to go after things. अगर एक बारी मनाओ, दो बारी मनाओ, तीन बारी मनाओ, चार बारी मनाओ, पांच बारी मनाओ, फिर भी लगे रहो,
छठा दरवाजा खटखटाओ, एक ही लड़की पे नहीं लगे रहे हैं हम, बट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ छठी लड़की पे जाएंगे। ना इमेजिन तुमने जॉब के लिए अप्लाई करा, पहली ने मना करा, दूसरे ने मना करा, तीसरे ने करा, चौथे ने करा, तुम करते रहोगे जब तक जॉब नहीं लग जाती भाई, दैट्स व्हेन यू स्टॉप। कई बंदे होते हैं बोलते भाई मैंने ट्राई करा एक साल से, दो चार जॉब अप्लाई करी बट हुआ नहीं। इमेजिन उस बंदे ने बाहर जाके अप्रोचेस करी होती, वो पैटर्न वहीं पे ट्रेन हो रहा है ना। अब बिजनेस की बात करते हैं, दरवाजे खटखटाए, सेल्स कर रहे हैं, एक बंदे को सेल करने की कोशिश करी नहीं हुआ, दूसरे को करी नहीं हुआ, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, मुंह पे दरवाजा मार दिया, मना कर दिया, भाई पागल है क्या, क्यों फोन कर रहे हो तुम, मुझे गालियां सुनने को मिल रही है। गेस व्हाट, फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्यों, बिकॉज ये पहले से झेल लिया ना। वी अंडरस्टैंड वंस वी लर्न गेम दैट इट्स नॉट अबाउट कि वो लड़की रिजेक्ट कर रही है, डज नॉट मीन आई एम अ पीस ऑफ शिट, शी डजंट लाइक द प्रोडक्ट व्हिच इज मी, शी डजंट लाइक द अप्रोच, मे बी उसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, मे बी उसके पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है भाई, उसको नहीं करनी बात। सो इफ दोस थिंग्स आर हैपनिंग, मेरे को पर्सनली नहीं लेना भाई, सो यू स्टॉप टेकिंग थिंग्स पर्सनली, यू स्टॉप बीइंग लाइक ओह यार आई हैव अ क्रश, यार उसने मना कर दिया, मेरी जिंदगी में क्या होएगा फिर, शट अप। नंबर 5, एक्सेप्ट दैट इस दुनिया में ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जिसको लड़की से बात करने के पहले डर नहीं लगता है। Every man is nervous talking to a girl. Every fucking man. Every man. And every girl is nervous when a guy is talking to her. Because she's thinking, मेरे बाल ठीक हैं, मेरे मेकअप तो खराब नहीं है, मेरी ड्रेस तो सही है, मैं मोटी तो नहीं लग रही हूँ। Nervous होना is not a fucking problem. Feel the fear and do it anyway. Mountain Dew वाली वो ad देखी है ना, डर के आगे जीते भाई। Feel the fear and do it anyway. Because that is the only thing that you can do. We do have offline paid boot camps. I've got my coaches that do that, and हम mentorship में करते हैं। So if you want an offline paid bootcamp, book a call with us. और अगर तुम्हें confusion है कि ठीक है भाई, बहुत सारी videos हो गई हैं channel पे, क्या करें, कहाँ से start करें? Join Sim2Start. That's our course. जहाँ पे तुम्हें clear पता चलेगा क्या करना है, community मिलेगी ताकि तुम लोगों के साथ बाहर जा सकते हो, तुम अकेले नहीं हो। I understand यार, पहली बारी बाहर जाते फट रही होती है। Everything that I've learned in game is what I've taught in Sim2Start, and that is what has led to me being very successful with girls. Building immense confidence, building a business, being on YouTube, being an amazing public speaker, earning shit tons of money, networking with the highest level of people, doing what I want and scaling it to wherever I want to be. Number 6, whenever you talk to a girl, just focus on enjoying the process rather than thinking, yaar ye ladki ka number mujhe mil jaye, yaar result ke piche bhagte rehna. Tumhara kaam hai 6 ladkiyon se jaake bas baat karna. It does not matter what her response is, mere bhai. Stop looking at her response. It does not matter ki usne tumhe reject kara hai, accept kara hai, या बोल रही है मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ। रिजल्ट और एक्शन को ना डिफरेंशिएट करो, यू डूइंग इट फॉर द एक्शन, फॉर द प्रोसेस, फॉर द लव ऑफ इट, कर्म करो बस भाई, फल के पीछे पड़े रहते हो तुम, बिकॉज यू आर सो ऑब्सेस्ड विद द फल ना, यू कैन नॉट फाइंड द जॉय इन डूइंग द टास्क। इफ यू फाइंड द जॉय इन जस्ट डूइंग द टास्क, यू विल नॉट बी डेस्परेट फॉर गर्ल्स, यू विल हैव अ बेटर अप्रोच एंड तुम्हारा माइंडसेट अमेजिंग रहेगा। नंबर 7, तुम्हें लगता है तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा दोस्त है, राइट? नहीं, योर ब्रेन इज नॉट योर फकिंग फ्रेंड। जब भी तुम लड़की से बात करने जाते हो, ब्रेन ब्लैंक आउट क्यों हो जाता है? बिकॉज अंदर इतना फियर होता है, फियर ना वो सारी चीजें मतलब हमें सोचने से बंद कर देता है, एड्रेनलिन वगैरह निकलता है, फाइट ऑफ लाइट रिस्पॉन्स हो रहा होता है ब्रेन में, ऐसे लगता है हम डेंजरस सिचुएशन में है, तो वहां पे वी गेट स्टक अप, ऐसे फंस जाते हैं, तो कुछ निकलता ही नहीं है। दिमाग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ना कि सोचने के लिए लड़की को क्या बोलूं, इमोशनल रिस्पॉन्स है। जितना तुम अपने आप को इस सिचुएशन में एक्सपोज करोगे ना, उतना कंफर्टेबल फील करोगे और उतना ये डर खत्म होता रहेगा, डर कम होता रहेगा। जब डर कम होएगा देन वो बातें बाहर आएंगी, तब जो बातें हम यहाँ पे सिखा रहे हैं Sim2Start में या चैनल पे या मेंटरशिप पे जो हम लोगों को सिखाते हैं, दैट इज व्हेन यू विल बी एबल टू अप्लाई दैट। तुम्हें ना एक बात समझनी पड़ेगी, योर ब्रेन इज नॉट योर फ्रेंड, योर ब्रेन इज नॉट ऑन योर टीम, योर ब्रेन जस्ट वॉन्ट्स यू टू बी सेफ। वो चाहते हैं कि तुम बस सेफ रहो, अपनी नॉर्मल सी जिंदगी जीते रहो, बस दैट्स इट। योर ब्रेन डज नॉट वांट यू टू बी अ विनर, इट वॉन्ट्स टू प्ले टू नॉट लूज, कि कुछ बुरा ना हो जाए यार। अपने छोटे से कम्फर्ट जोन में रहते हैं, आगे नहीं जाते हैं बिल्कुल भी, बस अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, इतने से छोटा सा मस्त कंफर्ट जोन है उसमें रहना है, क्योंकि कभी भी हम अननोन में जाएंगे ना कुछ बुरा हो सकता है। सो योर ईगो योर ब्रेन विल कम अप विद लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस टू अवॉइड डूइंग दैट डिफिकल्ट थिंग, जी जंपिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, टॉकिंग टू दैट गर्ल, स्टार्टिंग अ बिजनेस, गिविंग अ स्पीच, यू फील शाय, जो भी सबसे डरावनी चीजें होती हैं लाइफ में, टेकिंग दैट ट्रिप अलोन, मूविंग टू अ न्यू सिटी, योर ब्रेन विल बी लाइक नो 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 नो, नहीं नहीं कुछ भी हो सकता है, दैट इज हैपनिंग विद यू। What do you do now? You realize, ki fuck the brain, bhai. What is it that I want? I will not let my brain keep me as a fucking slave. I will do what I want. I will do it how the fuck I want it. What you do is, jab bhi excuses aate hain, main to hamesha bolta hoon, ki bhai, toh kya ho gaya? You still go towards the girl, aur dimag mein aa raha hai, nahi kuch bura ho jayega. Haan, ho jayega, hone do. Ye ladki yaar utti sahi nahi hai. Koi nahi, baat hi toh karni hai. Ya ye toh meri yaar league ke bahar hai. Dekhte hain kitni bahar hai. Baat toh karke dekhein. Kya pata isko main pasand aata hoon? Yaar aaj acha nahi dikh raha. कोई नहीं, उसको डिसाइड करने दो, अप्रोच ही तो करना है, रिजल्ट नहीं चाहिए हमें, बस हमें बस अप्रोच करना है भाई। सो व्हाटएवर हैपेंस, यू ऑलवेज हैव अ काउंटर, एंड इवन बेटर, काउंटर देने की जरूरत नहीं है। योर ब्रेन इज लाइक दैट अननोइंग अंकल जो घर में आते बोलते बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, बेटा नहीं कुछ बुरा हो जाएगा। वो क्रिटिकल लोग नहीं होते तुम्हारी जिंदगी में, मे बी यू हैड समबडी हू इज वेरी क्रिटिकल फॉर यू, इज लाइक नहीं यार ये मत करो कुछ बुरा हो जाएगा, हो जाएगा। हम क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है देख लूंगा, चल चल चूतिया चल देख लूंगा, ठीक है, दैट्स व्हाट यू डू टेल योर ब्रेन, भाई मरेगा, हाँ ठीक है चल 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 देखी जाएगी चल। Be willing to die. हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा भाई, देख लेंगे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मना ही कर देगी,
ज्यादा से ज्यादा बात नहीं करेगी। मैं वैसे ही अकेला घर जा रहा था अपना हाथ में लेके, अब फिर अकेला जाऊंगा अपना हाथ में लेके, क्या फर्क पड़ रहा है। नंबर 8, इफ योर डेटिंग स्ट्रेटजी इज कि मैं अपने सोशल सर्कल पे रिलाई करूंगा और मेरे दोस्त मेरे को लड़कियों से मिलवा देंगे, देन वो बकवास है। अगर तुम रिलाई करोगे ना कि स्कूल और कॉलेज में ही लड़कियां हैं, बट स्कूल और कॉलेज खत्म हो जाएगा भाई, सबकी शादियां हो जाएंगी, सोशल सर्कल छोटे होते रहेंगे। वेयर डू यू मीट गर्ल्स, ऑनलाइन डेटिंग सबके लिए वर्क नहीं करता है, बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, और ऑनलाइन डेटिंग में भी डेट मिल जाएगी या टेक्स्ट पे क्या बात करोगे भाई, क्या होएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, कोई लड़की मिलेगी एवरेज ही मिलेगी। कोल्ड अप्रोच इज द चीट कोड, यू गोइंग एंड टॉकिंग टू गर्ल्स इज द फकिंग चीट कोड भाई। कोल्ड अप्रोच में तो ना इज्जत तुम्हारी डाउन होने ही वाली है, एंड यू विल बी सरप्राइज, बस गुड लुकिंग होने से ना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इफ यू नीड हेल्प, ऑलराइट, वी हैव गॉट द सिम टू स्टड कोर्स। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद योर डेटिंग लाइफ, वी हैव सिम टू स्टड, जहां पे यू कैन डू एनीथिंग यू वॉन्ट, यू कैन टॉक टू एनी गर्ल, वी विल टीच यू हाउ टू डू दैट। वहां पे एक पूरा कोर्स है, वी गॉट डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑन अप्रोच एंग्जाइटी, ऑन फैशन, ऑन हाउ टू बिल्ड अट्रैक्शन, हाउ टू गो ऑन द डेट, डेट पे जाके क्या करना है, बेडरूम तक बातें कैसे लेके जानी, कंसेंशुअली हाउ डू यू टच अ गर्ल, हाउ डू यू फ्लर्ट विद हर, अट्रैक्शन कैसे बिल्ड करना है और डांस कैसे करना है, बहुत सारी चीजें वहां पे। प्लस हमारी कम्युनिटी है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और मल्टीपल सिटीज में, इवन इंटरनेशनल, फॉर यू टू कनेक्ट विद पीपल एंड गो आउट विद देम। नंबर 9, एज अ मैन तुम्हारे पास ये चॉइस नहीं है कि तुम बस बैठे रहो भाई, यू हैव टू वर्क इन योर डेटिंग लाइफ, यू हैव टू गो आउट देयर एंड टॉक टू गर्ल्स। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि ठीक है पैसे कमाएंगे, अरेंज मैरिज हो जाएगी, जिंदगी सफल हो जाएगी, ऐसे नहीं होता भाई, छोड़ के चली जाएगी किसी और के पास। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग अ गर्ल, इट्स अबाउट लर्निंग हाउ टू कीप अ गर्ल। इफ यू नेवर डेटेड अ गर्ल, तुमने रिलेशनशिप करा ही नहीं है, तुम्हारे पास वो फीलिंग ही नहीं है कि हाँ ठीक है आई कैन गेट अनदर गर्ल, यू विल बी टेकन एडवांटेज ऑफ वहाँ पे। यू नीड टू बी इन अ स्टेट ऑफ अबंडेंस, द गर्ल शुड फील कि हाँ भाई आई एम विद एन अट्रैक्टिव गाय एंड ही कैन गेट एनी गर्ल। अगर लड़की को ये फील होएगा ना कि भाई इसको तो कोई लड़की नहीं मिलेगी, तो रोन देगी अपने पैसों के नीचे तुम्हें। एंड दैट्स नॉट दैट बिकॉज गर्ल्स आर इविल, इट्स जस्ट दैट्स हाउ सोसाइटी इज, ह्यूमंस आर लाइक दैट भाई। All of you have shit fucking grammar, bhai. Shit writing skills. Learn how to write. You guys need to learn how to write properly. Don't be lazy. Girls will judge you, bhai. अगर तुम्हारी writing ऐसे है ना कि समझ ही नहीं आ रहा बंदे क्या कह रहे हैं. Full stop नहीं है, capitalization नहीं है. Write जैसे तुम exam में बैठे हो, bhai. That's how you should write. कुछ छोटा-छोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यार. Full stop वगैरह use करो. Bhai की जगह bhai लिख देते हैं. You've got to have good writing skills and good communication skills. Game will teach you how to build those communication skills, but writing skills होनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम ये ना how to, भाई how to ask your girlfriend for intercourse, तो मुझे लग रहा है तुम सालों मेरी girlfriend से पूछना चाह रहे हो। Number 10, one of the worst things that you can do as a man while talking to a girl is asking for sex. It's in the vibe. Vibe होती है, feel होता है, तुम पास आते हो, एक moment बनता है, you like her, आंखों में देखते हो, तुम lean in करते हो, lean in करती है, तुम make out करते हो। धीरे धीरे करके चीजें होती हैं, बट इफ यू आर यंग यू कैन जस्ट नॉर्मली मेक आउट, लाइक व्हेन यू आर मेकिंग आउट उस टाइम पे, इफ यू लाइक रियली रियली यंग एंड यू थिंक दैट शी इज नेवर हैड सेक्स बिफोर, देन यू कैन डेफिनेटली आस्क हर मेक आउट। बट मेकआउट कर रहे हो, किस वगैरह कर रहे हो, बहुत पास में, इट्स गेटिंग हॉट एंड हैवी, एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए हो, यू आर हार्ड एंड शी कैन फील दैट यू आर हार्ड, देन यू कैन टेल हर यू नो आई फील लाइक हैविंग सेक्स विद यू। और ऑल्टरनेटली इट माइट जस्ट हैपन इन द मोमेंट ऑल्सो, स्टार्ट टेकिंग योर क्लोथ्स ऑफ, स्टार्ट टेकिंग योर क्लोथ्स ऑफ, बट बहुत धीरे धीरे कंसेंट मेंटेन करते हुए चलना पड़ता है। एवरी टाइम आस्क द गर्ल, यू नो हाउ आर यू फीलिंग, आर यू फीलिंग गुड, जस्ट बी लाइक हाउ डज दैट फील, टेल मी इट फील्स नाइस, टेल मी इट फील्स नाइस। और यू कैन ऑल्सो टेल हर यार एट एनी पॉइंट इन टाइम यू डोंट लाइक इट, जस्ट लेट मी नो, ऑलराइट, एंड देन गो फॉर इट, बट डोंट बी डेस्परेट, टेक योर टाइम डूइंग इट, ओके, धीरे धीरे धीरे। एंड इफ इट्स द फर्स्ट टाइम शी इज हैविंग सेक्स, मेक श्योर यू मेक कीप अ कंफर्टेबल, तुम उससे थोड़ी सी बात कर रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो मतलब, एंड तुम उसका ख्याल रख रहे हो, शी नीड्स टू फील सेफ अराउंड यू भाई, उसके लिए फर्स्ट टाइम है, व्हिच इज गोना बी वेरी एंग्शियस फॉर हर। दिस इज शितिज साइनिंग ऑफ, दिस इज गुड यार, इट्स फन, वी विल टॉक मोर अबाउट दीस थिंग्स।